नमस्कार अपराह्न प्राइम सहित विकास बुलेटिन आरंभ करवा पूर्व नजर पकड़ कौन रही वर्तमान हेडलाइंस ओडिशा रे चासी को उन्नति नारे 200 कोटी रो घोटाला यहा विरोध रे आग्रो इंडस्ट्रीज कार्यालय आगे धारणा देव कृषक मोर्चा घटनार सीबीआई तदंत दाबी कानपुर में गड़ला मेट्रो 11,000 कोटी प्रकल्प को आरंभ कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीक्षा करने मेट्रो में बुलिले पूर्व कानपुर आईआईटी समावर्तन दे आत्मनिर्भर भारत आह्वान आसंता वर्ष फेब्रुआरी में ओडिशा रे पिक नहीं पारे कोरोनार तृतीय लहर स्वास्थ्य निर्देशक विजय महापात्र आकलन ओडिशा रे 2 मास विलंब में आसीला प्रथम और द्वितीय लहर भारत में आउ दुईट वैक्सीन को ग्रीन सिग्नल कोवाभैक्स और कोर्बेवैक्स को जरूरी कालीन व्यवहार पर मिला अनुमति सूचना दे केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडव्य मांजा बिक्री अभियोग विभिन्न स्थान में कमिशनरेट पुलिस चढ़ाऊ बेआईन सूता बिक्री अभियोग एपर्यंत 15 अटक सेपटे मांजार बेककटी मृत्यु घटन व्यवसायी शेख अनवर को कोर्ट चला राशन कार्ड पर गला जीवन 1,000 टंका पाई स्त्री को ठेंगारे पिटी पिटी हत्या कला स्वामी किंतु जो टाउन थाना ठाकुर पटना मुंडा साही रे अघटन नववर्ष पर्यटन स्थल में जमुची आसर कोणार्क असंभव भिड़ ऑनलाइन टिकेट पर सर्वर काम न करिबारु कोणार्क भितर को धसई पसिले पर्यटक एथर आसवा संपूर्ण खबर को ओडिशा रे चासी को उन्नति नारे 200 कोटी रो घोटाला यहा विरोध रे आग्रो इंडस्ट्रीज कार्यालय आगे धारणा देव कृषक मोर्चा राज्य 200 कोटी रो घोटाला अविनाश दास को नारे होई छी एही घोटालार सीबीआई तदंत दाबी करी छी कृषक मोर्चा अविनाश दास को काहेकि राज्य सरकार घंट घोड़ाउछंती बोली प्रश्न करी छी आज प्रेस मीट करी बीजेपी आज एने सांवादिक सम्मेलन रे बसिछंती बीजेपी नेता प्रदीप पुरोहित भारतीय जनता पार्टी ये जो 200 कोटी टंका एग्रीकल्चर एग्रो इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन जरिया रे कृषि विभाग जरिया रे हॉर्टिकल्चर जरिया रे जो लूट होई छे भारतीय जनता पार्टी कृषक मोर्चा आगामी दिन रे एग्रो इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन सामना रे विक्षोभ प्रदर्शन करिवो एवं जेहेतु केन्द्र रो पैसा लूट होई छे केन्द्र सरकार पाखरे आपत्ति अभियोग करिवो एवं दरकार पड़िले केन्द्र पैसा 200 कोटी टंका चाषी मान पाखे पहुँचवा पैसा लुट हो यार सीबीआई तदंत यार सीबीआई तदंत भारतीय जनता पार्टी दाबी करुच्ची जे 200 कोटी टंका ओडिशा रे जो घोटाला होई एग्रीकल्चर घोटाला होई एग्रीकल्चर स्काम होई कृषि विभाग स्काम होई सीबीआई तदंत दाबी करिवो केन्द्र सरकार को से उपरे अनुरोध करिवो सब राजनीति में एंट्री मारी पूर्वतन भारतीय क्रिकेटर दिनेश सुमंगिया विधिवत भाव में आज बीजेपी में सामिल होती दिनेश क्रिकेट रु से 2 वर्ष पूर्व अवसर नहीं मोट 57 ओडीआई मैच खेली दिनेश क्यारिययर से 1230 रन स्कोर करते जे बामहाती बैट्समैन भाव में परिचित दिनेश राजनीति में द्वितीय इनिंग्स आरंभ कर क्रिकेट पर राजनैतिक पिच में दिनेश मुंगिया को देखा मिल आम सहित तो दिनेश मंगिया जी अच्छा जी की निकट में बीजेपी में सामिल होती सीधा सख्त प्रतिक्रिया ना दिनेश जी जिस तरह से पार्टी में जॉइन हुए कई सारी ऑप्शन था आपके पास बीजेपी क्यों चुने बीजेपी की जो विचारधारा है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की विचारधारा है सबका साथ सबका विकास उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ और पिछले
आठ दस साल से जो भारत में जो प्रोग्रेस हुई है, जो तरक्की हुई है इस विचारधारा को लेकर, क्योंकि ये विचारधारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर सबका साथ होगा तभी सबका विकास होगा, और सबका विकास होगा तभी देश, भारत देश, हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो इसका प्रयास भी जुड़ चुका है, आपका भी प्रयास रहेगा कि आगामी चुनाव में कुछ टिकट विकेट को लेकर? टिकट को लेकर तो मेरे को नहीं मालूम, प्रयास ये भारतीय जनता पार्टी, अब जो मेरी पार्टी है, मेरे को जो आदेश करेगी वैसा करेगी। फिर भी मन में कोई आशा, किस तरह से काम करेंगे? जो आदेश करेंगे वैसा काम करेंगे, अभी मेरे मन में कोई ऐसी आशा नहीं। आपण सुनते दिनेश मंगिया, जे भली पूर्वतन क्रिकेटर, समस्त जानते गोटे फिगर अच्छी, तेणु आगामी दिन में ये फिगर को निश्चित भाव बीजेपी पंजाब रे व्यवहार कर बोली आशा करा कहीं। गजेन्द्र सिंह शेखावत जे बीजेपी प्रभार रही जॉइनिंग है से सहित थे, वर्तमान देखिए लगातार भाव जो भाव बीजेपी आगो को बढ़ुची से समय पार्टी जॉइनिंग करवा निश्चित भाव पार्टी को आगामी दिन में फायदा दे पारे। नदुल कमरा पर्सन आदित्य सहित गगन अर्गस न्यूज। अजय प्रवती खबर को कानपुर में गड़ा मेट्रो 1000 कोटी प्रकल्प को आरंभ कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। यहाँ पर मेट्रो में बस यात्रा करते मोदी सांगर थिले उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कानपुर मेट्रो परियोजन मोट लंबा 32 किलोमीटर रही है, ए 9 किलोमीटर रही है IIT कानपुर मोती झील पर्यंत। कानपुर मेट्रो रेल प्रकल्प समीक्षा सह मेट्रो यात्रा कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। यह पूर्व IIT कानपुर समावर्तन उत्सव में सामिल होते मोदी। अवसर में मोदी भारत को विश्व स्टार्टअप हब कहते आत्मनिर्भर भारत पर निजर योगदान देवा छात्र छात्री मान आह्वान मध्य प्रधानमंत्री। आज कानपुर के लिए दोहरी खुशी का दिन है। आज एक तरफ कानपुर को मेट्रो जैसी सुविधा मिल रही है, वहीं दूसरी ओर IIT कानपुर से टेक्नोलॉजी की दुनिया को आप जैसे अनमोल उपहार भी मिल रहे हैं। आपने जब IIT कानपुर में प्रवेश लिया था और अब जब आप यहां से निकल रहे हैं, तब और अब में आप अपने में बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस कर रहे होंगे। यहां आने से पहले एक फियर ऑफ अननोन होगा, IIT कानपुर में जो अर्जित किया, जो विचार समृद्ध हुए, वो एक ऐसी मजबूत फाउंडेशन है, फोर्स है, जिसकी शक्ति से आप जहां भी जाएंगे वहां कुछ नया करेंगे, अनोखा करेंगे, कुछ वैल्यू एडिशन करेंगे। अच्छा प्रवृत्ति खबर को राशन कार्ड पाई कि गला जीवन। राशन कार्ड र 1000 टंका सहायता पाई स्वामी नेला स्त्री र जीवन। स्त्री को ठेगारे पिटी पिटी हत्या कला स्वामी। केन्दुझर टाउन थाना ठाकुर पाटणा मुंडा साहि रे एभली अघटन घटी। मांजा सूतारे बेक कटी युवकों मृत्यु पर आक्शन मोड को आसिकी कटक कमिशनरेट पुलिस। बेआईन मांजा बिक्री करने अभियोग में पुलिस विभिन्न थाना रे 4 मामला रुजु कर 15 व्यवसायी को एपर्यंत अटक रखी। तेज मृत्यु घटन पीरबजार व्यवसायी शेख अनवर को गिरफ्त कर कोर्ट चलाण कर पुलिस। तेज कटक पिठापुर झोलासाही और चौधरी बजार अंचल में पुलिस चढ़ाऊ कर 480 नटेई ता सहित 21 बंडल मांजा सूता सह 500 अधिक गुड़ी जबत कर। आज पुलिस और CMC पक्ष चढ़ाउ जारी रही बोली कहते कटक DCP और CMC कमिशनर। एनफोर्समेंट स्क्वाड चेकिंग कर प्लस कमिश्नर पुलिस स्क्वाड भी चेकिंग करौधरी बजार दक्षिण बजार यह सब एरिया चेकिंग होता कल पुलिस भी मंगलाबाद थाना ठू भी सही आप जानते तो सही हिसाब से कार्यानुष्ठान चलती। भाइरस लड़ाई में सामिल है आउ 2 टीका। देशर आउ 2 टीका को मिला ग्रीन सिग्नल। कोर्बेवैक्स और कोवोवैक्स को मिला अनुमति। उभय टीकार जरूरकालीन व्यवहार नहीं कि अनुमति देला CDSCO सूचना देने एने कि केन्द्र स्वास्थ्यमंत्री मनसुख मांडव्य। कोर्बेवैक्स को हैदराबाद भित्तिक कंपानी बायोलोजिकाल ई प्रस्तुत करता बेले
कोभोवैक्स को प्रस्तुत करिछि पुणेर सेरम इन्स्टिट्यूट। एहासो एंटीभायरल औषध मल्यूनुपिराविर को भारतर 13 कंपनी द्वारा प्रस्तुत करा जायछि। एहाको जरूरीकालीन परिस्थितिरे वयस्क रोगीक चिकित्सारे सीमित व्यवहार पई प्रस्तुत करा जाउथबा जणा पडिछि। सबरे टीकाकरण नहीं राज्य में आरंभ हो प्रस्तुति। 15-18 वर्ष पिला जो मानक जन्म 2007 जनवरी 1 पूर्व होने ही टीका दिजाव और सेने टीका नाप्य योग्य एने परिवार कल्याण निर्देशक विजय पाणिग्राही सूचना देते। टीका नाप्रे ऑनलाइन और ऑनसाइट पंजीकरण करें। टीकाकरण दुई प्रकार व्यवस्था करस्थित अनुजाई किशोर टीकाकरण लगे स्थान बछा जोटी सुविधा हम किशोर टीका अलग करो स्थान में वर्तमान टीकाकरण चली अलग लाइन कर टीका दिजाव। किशोर टीका क्षेत्र में प्रथम डोज द्वितीय डोज मध्य व्यवधान 28 दिन रनपटे वरिष्ठ नागरिक मैंने के ने एपर्त स्पष्ट होनी तेज वरिष्ठ नागरिक मैंने प्रथम डाक्तर मान आलोचना परामर्श ग्रहण कर प्रिकसन डोज ने कहुई जदि से डाक्तर प्रिकसन डोज ने कही प्रिकसन डोज दिज्व वरिष्ठ नागरिक क्षेत्र में द्वितीय डोजर 9 मास पर प्रिकसन डोज दिज्व। स्वास्थ्यकर्मी और सम्मुख योद्धा और वरिष्ठ नागरिक जो मैंने एप्रिल सुधा द्वितीय डोज नहीं थे से जानुरी 10 तारीख में तृतीय डोज बा प्रिकसन डोज नहीं पारे। डिसेंबर 25 तारीख में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जहाँ घोषणा करते विषय आज आलोचना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर आज भिसी नहीं जो थे कि तीन टा जो ग्रुप ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर करते से वैक्सीनेशन केमती करा जीवो ता विषय आज डिस्कशन करागला। प्रथमटा हूँ 15-18 वर्ष पिला टीकाकरण जो थे कि जो पिला 2007 पूर्व जन्मग्रहण करेंगे से एलिजिबल हेबे से माने दुईटी टीका पाइबे। कोवैक्सीन रो प्रथम डोज पाइबार 28 दिन परे से मानकर सेकेंड डोज पाइबे। से मानकर रजिस्ट्रेशन पे दुई प्रकार व्यवस्था अछि। गोटे होची ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जोटा कि आमर जनवरी 1 तारीख रु आरंभ हबो सेथिरे से माने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करि परिबे प्रायर रजिस्ट्रेशन। आ गोटे हला ऑनसाइट रजिस्ट्रेशन सेटा कि आमर जनवरी 3 तारीख दिन से माने जो आमर सीबीसी हेथिबो से पाखो को जिबे सेटे से माने डायरेक्टली ऑनसाइट रजिस्ट्रेशन करिकरी सेमानकर वैक्सीनेशन नहीं पारे ना। वर्तमान दुईटा ऑप्शन अछि सेपरेट सीबीसी जदि संभव अछि करिवे किंबा जो सीबीसी अछि सेही सीबीसी रे आमे अलगा क्यू करिकि सेमानकर टीकाकरण करिवो ता विषय निष्पत्ति निया जीवो। पूर्वरु जहाँ थिला आमे जनवरी 15 सुधा समस्तंकर फर्स्ट डोज टीकाकरण करिवु आउ जो मानकर एलिजिबल सेकंड डोज अछन्ति सेमानकर आमे सारिबा पे लक्ष्य रखिछु। सबरे फेब्रुआरी पिक नहीं पारे करोनार तृतीय लहर। स्वास्थ्य निर्देशक विजय महापात्र आकलन देशर विभिन्न राज्य तुलन में ओडिशा प्रथम और द्वितीय लहर 2 मास विलंब से आसीला। आईसीएमआर आकलन अनुजाई जदि तृतीय लहर आसे तेज खूब शीघ्र ओडिशा को मध्य आसिब। फेब्रुआरी मास शेष बेलू पिक को जापे सर्विलांस टेस्टिंग ट्रिटमेंट और टीकाकरण उपर स्वास्थ्य विभाग गुरुत्व देउची। सरकार निर्देश अनुजाई स्वास्थ्य भित्तिभूमि प्रस्तुत रही पेडियाट्रिक ऑक्सीजन और मेडिसिन संपूर्ण भाव में महजूद रही। आपड़ मार्क करेंगे सबूजाक पिक सर्जर 2 मास 2.5 मास पर आम पिक आसे किंतु योटा बर्तमान तृतीय टी अच्छी तृतीय जो भाया जना पड़ी आर गैपटा आ कमी पारे जल्दी बहुत जल्दी आसपे कहीं आर ट्रांसमिशबिलिटी बहुत बेसी जेहेतु बहुत अल्प दिन में पिकटा जदि पिक आसूसी पिक आसपे ना आम एप्रोक्सीमेटली कहवा ना आम आईसीएमआर तथ्य को भित्तिक कह जो 10-15 स्टेट रखिंट से मैंने कौन फेब्रुआरी लास्ट विक्रे पिक हो पारे किंतु समस्त स्टेट मॉडल सामान नुह तेणु विभिन्न जगार +5 -5 यह भाया हवा कथा किंतु आमर शुणु आमर गोटे जिनस को आम एत डिस्कसन न करके गोटे जिनस को आखि आगे रखा आमर से ही तीन टी जिनस जमी वैक्सीनेसन बढ़ू द्वितीय जिनस सर्भिलांस आम ठीक ठाक रो तृतीय जिनस आम आम तरफ ट्रिटमेंटर व्यवस्था केमती करा हम सरकार के निर्देश में कल भी मुख्यमंत्री ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ताको रिव्यू करते से कम चली। चतुर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। सबड़े आसंता जनवरी 10 तारीख रु कटक बुस्टर डोज दिजाव। सम्मुख योद्धा और 60 वर्ष ऊर्ध वयस्क बहुविध रोग पीड़ित मानक दिजाव बुस्टर डोज। क्यों क्यों स्थान में टीका दिजाव तार अनुधान बर्तमान चली। सीएमसी डेप्युटी कमिशनर डॉक्टर अविनाश राउत एने की सविशेष सूचना देते।
ଆଗକୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସୁଥିବାରୁ କୋଣାର୍କରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାମଚଣ୍ଡୀ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସହିତ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। କରୋନା କଟକଣାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସଦୃଶ ହୋଇଛି। ଆଜି ଏକ ସେମିତି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେଉଁଠି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ, ମାତ୍ର ଆଜି ସର୍ଭରରେ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଟିକେଟ୍ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ଧସେଇ ପଶିଥିଲେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଏକ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ବୁଲେଟିନ୍ ଆଗକୁ ଖବର ଜାରି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାଇମ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ନଜର ପକାଇବା ଆଉ କିଛି ଖବର ଉପରେ। ପାଣି ନଦେଲେ ଭୋଟ ଦେବନି, ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏଭଳି ଦାବି। କୋରାପୁଟ ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକରେ ରାସ୍ତା ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ଏବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଏପରିକି ଶିକ୍ଷାରୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାକାର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି। ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରାନଗଲେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ 10ଟି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଏକ ହୋଇକି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଅସହାୟ ଗରିବ ପରିବାର ଚାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜି ରହିବା ପାଇଁ ସରକାର ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ। ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବରୁ ଏବେ ବି ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ସାମନ୍ତରା ଘାଇ ଗ୍ରାମରୁ ଦେଖିବା ଏଭଳି ଏକ ରିପୋର୍ଟ। ଘରର କାନ୍ଥ ନାହିଁ କି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଭଲସେ ଚାଳ ବି ନାହିଁ, ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଘରେ ପଡ଼ୁଛି। ପଲିଥିନ୍ ଟାଣି ତାରି ତଳେ ଅତି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଭାବେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଚାରି ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ। ଏହି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଗୋଟିଏ ବଖରା କୁଡ଼ିଆରେ ରୁହନ୍ତି ଭଞ୍ଜ ବିହାରୀ ନାୟକ, ସ୍ତ୍ରୀ ସାଇବାଣୀ ନାୟକ, ପୁଅ ଓ 70 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧା ବାପା। ସାଇବାଣୀ ସକାଳୁ ଉଠି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ଜାଳେଣୀ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିଲେ ଚୁଲି ଜଳେ। ରୋଜଗାର କହିଲେ ଛୋଟିଆ ପାନ ଦୋକାନଟିଏ, ସେଥିରୁ ଯାହା ମିଳେ ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର ଚାଲେ। ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ କେବଳ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ। ଖାତାରେ 15,000 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁଥିଲି ସେ ଘର ଭାଙ୍ଗିକି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପକାଇଦେଲି। ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପକାଇଲା ପରେ ସେଠି ଆଜିକୁ 5 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା। କୌଣସି ଗ୍ରାମ ସେବକକୁ କହିଲି, ସେ ଗ୍ରାମ ସେବକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇକି ପଳାଇଲେ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ସେବକ ଆସିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେମାନେ ବି କିଏ କିଛି ଆଉ ତୁମର ଏବେ ଆଉ ହେବନି, କ'ଣ ହେବ ଏମିତି ଅଛି ଦେଖିବା କରିବା ଏମିତି କହିଛି, ଆଉ କିଛି କିଏ ମନକାଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆଟି କରିକି ତିନି ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆଟି କରିକି ଚଳୁଛୁ, ରହୁଛୁ 5 ଜଣ ହେଇକି ଆଉ। ଚଳିବାର ଘରଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଅବସ୍ଥା ହେଉଛୁ। ମେଘ ପାଣି ବର୍ଷିଲେ ଆ ଘରୁ ତା ଘରୁ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଖରା ହେଲେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନୁ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ହେଲେ ନାହିଁ, ସେତେ ଭୋକ ଶେଷ ରହୁଛୁ। 4-5 ମାସ ପିଲା ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛୁ, ଆଉ ଘରଦ୍ୱାର ଚାଳ ନାହିଁ, ବତା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଆବାସ ଯୋଜନା ତାଲିକାରେ ଆସିଥିଲା ନାମ। ସରକାରୀ ବାବୁ ଆସିଲେ ଘର ଦେଖିଲେ। ଇନ୍ଦିରାବାସ ବାବଦକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 15,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହାପରେ ଆଉ ଆସିଲାନି ଖାତାକୁ ବାକି ଟଙ୍କା। ସେହିଦିନଠୁ ବ୍ଲକକୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଘର ପାଇଁ, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ଅନ୍ୟ ବାରଣ୍ଡାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ବୋଲି ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି ଭଞ୍ଜବିହାରୀ ନାୟକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିବା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତାକୁ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। 15,000 ଦେଲେ ତାଙ୍କେ ଯାହା କଲେ, ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ଭଙ୍ଗା ହେଲା ସେ ସମୟରେ ଆସିକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ପରେ ଆମ ଭାଇ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ଏମିତି ହେଇକି ଚଳିଛୁ ଆଉ। ଇଏ ଗୋଟେ 4-5 ହାତ ଅସାରରେ ଗୋଟେ ଚାଳ କୁଡ଼ିଆରେ 7-8 ଲୋକ ରହିଥାନ୍ତି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇକି। ସରକାରୀ ଯୋଜନା କେତେ ସଫଳ ତାହା ଭଞ୍ଜ ବିହାରୀ ନାୟକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ ହୁଏ। ଗଞ୍ଜାମ ସୋରଡ଼ାରୁ ସତ୍ୟକାନ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ବୁଲେଟିନ୍ ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ଖବର ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆଉ ଏକ ବ୍ରେକ୍ ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ ଫେରିବା ଖବରକୁ। ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ଏବେ ମରଣଯନ୍ତା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ କପିଲାଭାଟି ଗାଁରୁ ମୋହରା ଛକ ତଥା ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ନେଇ ଦେଖିବା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଚିରୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ।
रास्ता ना मरण जंता, बड़ बड़ गोड़ी आउ खाल, टिके नजर हटिले दुर्घटना घटी पारे। एहुची बलांगीर जिला कपिलाफटा गाँ ठारु मोहरा छक तथा 69 नंबर जातीय राजपथ को संजय करथुबा रास्ता मरामती अभाव शोचनीय पड़ी। रास्ता सारा अनाई रही गोड़ी, 3 किलोमीटर ए रास्ता दीर्घ मासला विपद संकुल अवस्था थिले हे प्रशासन नजरे पड़नी समस्या, जहाँ को नहीं ग्रामवासी मध्य देखादी असंतोष। एटा को आम राज्य सरकार को बहुत थर जनईसु जेनटा कि प्रधान मंत्री रास्ता बनवापी तांकु योजनापाई कराही, किंतु आज पर्यंत सरकार किसी कर्णपात करूना जहाँटा कि बहुत सांघातिक, तेणुक मुझ रिक्वेस्ट करम ग्राम तरफ आम जनवासी तरफ ये रास्ताटा को प्रधानमंत्री रास्तार परिणत करागले आगामी दिन में समस्ते उपकृत होते और जातायात संभावना हम बहुत दिन है ये रास्ताटा पिचु उठी गलाना रास्त खाल खाचा अच्छे, तेणुक पाने जीवार आसवार खूब असुविधा हो रास्ता के तुरंत प्रधानमंत्री सड़क योजन सामिल कर रास्तार उन्नति करदी आगे नहीं बोले आम ये रास्ता लगे आंदोलन करमु। रास्ता उपरे अंचलर 30-40 खंड गाँ निर्भर करती, गत किछु वर्ष तले रास्तार उन्नतीकरण निम्नमानर काम जो रास्तार अवस्था बेहाल हो पड़ी, विभिन्न समय रास्त जावा समय दुर्घटनार सम्मुखीन होगा पड़ी स्थानीय लोके अभियोग कर। ग्रामांचल गमनागमन सुविधा लगे राज्य सरकार कोटी कोटी टंका खर्च कर, टंका सठिक बाटर खर्च होनी जार उदाहरण ये रास्ता। देश स्वाधीनता हो कि 72 वर्ष होते यही आम कपिलाफटा रास्ता विषय गवर्नमेंट आखिदृशिया पदक्षेप नौना, आमर गुहारी गवर्नमेंट पाखे रास्ता विषय किसी आखिदृशिया पदक्षेप ने भल हाँ। बलांगीर जिला कंटापांजी हुलेसर हंस का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। आज समस्या विदा दिखाई बुलेटिन को नमस्कार।